अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार क्रीमी चिकन लसानिया। बहुत इजी रेसिपी है ये, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है आधा किलो चिकन का कीमा। अब एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी। चिकन के कीमे को इस ऑयल में मैं शामिल कर दूंगी। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करूंगी। जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता इसको मैं कुक करूंगी। चिकन हमारी फ्राई हो गई है, अब इसमें 1 चिकन क्यूब डालूंगी। एक टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड करूँगी। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। एक टेबल स्पून इसमें चिली सॉस डालूँगी और 1 ही टेबल स्पून सोया सॉस का डालूँगी। एक टीस्पून नमक डालूंगी। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि चिकन क्यूब में भी नमक होता है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। चिकन को 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। चिकन के कीमे को बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, इस तरीके से इसको रखना है। हमारी चिकन तैयार है। अब लज़ानिया को बॉईल करने के लिए यहाँ मैंने 1 लीटर पानी लिया है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक डालूँगी और 1 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी। बॉईल होने के लिए रख दूँगी। जब ये बॉईल हो जाएगा तो लज़ानिया की शीट्स को एक एक करके मैं इस पानी में ऐड करूँगी। एक साथ नहीं डालना है क्योंकि लज़ानिया की शीट्स टूट भी सकती हैं और वो चिपक भी सकते हैं। लज़ानिया बॉईल हो गया है, अब इसको ठंडे पानी से स्ट्रेन कर लूँगी और थोड़ा सा ऑयल लगा के साइड पे रख दूँगी। लज़ानिया के सॉस के लिए सबसे पहले 2 टेबल स्पून यहाँ मैंने मक्खन लिया है। सॉल्टेड मक्खन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। लो फ्लेम पे ये सॉस को बनाना है। 2 टेबल स्पून मैं मैदा डालूँगी। 2 विस्क की मदद से इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब इसमें 2 कप दूध डालूँगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। 1 चिकन क्यूब ऐड किया है, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर मिक्स करूंगी ताकि काली मिर्च अच्छी तरीके से सॉस में मिक्स हो जाए। अब इसमें 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च ऐड करूंगी, मिक्स कर लूंगी और 1/2 ही टीस्पून इसमें गार्लिक पाउडर का ऐड करूंगी। अच्छी तरीके से सारे स्पाइसेस को मिक्स कर लेना है। थोड़ी सी सॉस में निकाल लूंगी। इस तरीके की सॉस की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। असेंबल करने के लिए थोड़ी सी सॉस मैंने निकाल ली है। अब इसमें मैं चिकन के कीमे को ऐड करूँगी। एक बड़ी शिमला मिर्च ली थी, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, अब वो मैं इसमें ऐड करूंगी और मिक्स कर लूंगी। ये रेडी हो गया है। अब हम लज़ानिया की असेंबलिंग करेंगे। सबसे पहले शीट्स को इस तरीके से ट्रे में रखेंगे।
बहुत ही अच्छा लसानिया बनता है ये, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस तरीके से चिकन को इसमें ऐड करेंगे और जो सॉस हमने बचाई थी वो इसमें ऊपर से डालेंगे। अब इसमें मैं मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो चेडर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से 3 लेयर्स इसकी बना लेंगे। अब इसमें थोड़ी सी ऊपर से कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल करूँगी, आप चाहें तो इसमें ऑलिव्स भी डाल सकते हैं। अब इसको प्री हीटेड ओवन में बेक करने के लिए रखेंगे 180 डिग्री पे 15 टू 20 मिनट्स के लिए। हमारा लसानिया तैयार है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी लसानिया बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और कमेंट करके हमें बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।